अभी इसी वक्त इन कुर्सियों को वापस लेके जाओ। मैं गद्दे बिछवा लूंगा लेकिन मेरे मेहमान इन पे नहीं बैठेंगे। जोरिया टेंशन क्यों ले रहा है? Why? What for? तेरे को पता है कमाल की पैकेज डील है जोरिया, 1000 कुर्सियों के साथ 100 बिग साइज टेबलें फ्री में मिल रही हैं। अगर वो 1000 टेबल भी मुझे फ्री में देंगे तब भी नहीं रखूंगा मैं। ओ जोर, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे ये कुर्सियां हैं बाबा, आदम के जमाने की कुर्सियां हैं, किसी खुदाई में निकली हैं क्या? अरे आप हंस रहे हैं? सोर तू बड़ा जोकी है, और ये कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा में से थोड़ी आई है। एंटीक तो है पर इतनी पुरानी भी थोड़ी है ये। लगाने को तो मैं प्लास्टिक की लगा देता पर जो शान इनकी आनी है, हाय हाय हाय, बात ही कुछ और है। ये कुर्सियों की हालत देखी है, स्प्रिंग निकले हुए हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, जिस जिस कुर्सी का स्प्रिंग निकला है उस पर कपड़ा डाल दो। बताओ बताओ कहाँ है स्प्रिंग? अरे चुभेंगे नहीं क्या? अरे तो चुभेगा तो सो व्हाट, उसके अंदर कपड़ा डाल देंगे, कागज ठूस देंगे और दो चार को चुभ भी गया तो व्हाई वरी, व्हाई व्हाट फॉर? तू टेंशन क्यों ले रहा है? तूने कुर्सियां खरीदनी थोड़ी है, दो चार दिन की बात है, शादी खत्म हो जाएगी, कुर्सियां चली जाएंगी वापस। इन सोफों की हालत देखिए आप, क्या देखिए, इसमें बैठेंगे मेरे मेहमान। जोर वो तेरी प्रॉब्लम है बहुत है। सुन मेरी गल सुन, यू कम नाउ, कम सिट एंड सी, लिसन, I sit, you see. Correct. Okay, ठीक है? देख। I was bald. अपना पल्लू संभाल तू। ओए, तू जिन्ना हंस रहे ना आज उतना ही जिंदगी में तेरे को रोना पड़ेगा, समझे? जा लस्सी लेके आ सबके वास्ते। दमन तू बैठी क्यों? अभी तो ये कुर्सियां पहले रिपेयर के लिए जानी है। कास्ते देना सीधा। खरा नहीं? हाँ। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? जोरावर तू कमाल की बात करता है भाई। मुझे एक बात बता, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम काट के फेंक देते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं, दोबारा यूज करते हैं, ऐसे ही दोबारा यूज करेंगे। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं? अरे पापा आप क्यों फिक्र करते, मैं हैंडल करता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारी कुर्सियां बाहर फेंकवा। क्यों फेंकवा रहे? क्यों फेंकवा रहे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए। बेटा मैटर तो सेटल कर लूं पहले। पापा भाई है, आशीष है, ईशान है, वो है, फुफड़ है। आप आइए, आइए तो आइए। मैं कह रहा हूँ सारी कुर्सियाँ फेंकवा दे। पर जी अब कुर्सियां तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। ओहो कुर्सियां क्यों चेंज करनी पड़ेंगी, इतनी बढ़िया कुर्सियां हैं, ऐसी पैकेज डील मिलती है आजकल? मुझे बताओ मिलती है? 1000 कुर्सियां में 100 टेबल, यहां रखो यहां रखो यार, यहां लगाओ। क्या बात है, बताते क्यों नहीं? आप आइए तो, बाहर इतना शोर है। बेटा ये तेरा अंकल है ना, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। ही इज टेकन ओवर एवरीथिंग, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। पापा भाई है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? और बेकार में आप क्या इन चेयर्स और टेबल्स के बीच में लग गए हैं, छोड़िए ना। बेटा मुझे जाने दे वरना वो घटिया चेयर्स लगा देगा वहां। पापा वो घटिया चेयर्स इंपॉर्टेंट है या मैं? आई बैठी। क्या कर रहा है? मुझे समझ, कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। देखिए मुझे ये वाले पापा चाहिए। याद है स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर हर साल आप मेरे लिए नए ड्रेसेस लाते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो फंक्शन इम्पोर्टेंट था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट थी। तो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी बेटा। कुछ भी बोल रहे हैं आप, पिछले एक हफ्ते से आप आए हैं मेरे पास, बैठे भी हैं एक सेकंड के लिए मेरे साथ। अरे बेटा बिजी रहा ना मैं। आप बिजी रहे हैं, अब शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, फिर बस आप याद करते रहना। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे सात समंदर पार जा रही है कहीं, इसी शहर में तो रहेगी। लेकिन हर सुबह आपको अखबार देने कौन आएगा? मैं आ जाऊंगा अपनी बेटी के घर, उसके हाथ की चाय पीने उस चलाया करूंगा। हाँ वो तेरी सास की बातें सुननी पड़ेंगी लेकिन अब आदत पड़ गई है। पापा
मैं सोच रही थी कि अभिशान भी बड़ा हो गया है, आपको अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी बांट देनी चाहिए। आप बहुत टेंशन लेते हैं। नहीं बेटा, टेंशन काहे की? तीन बड़े बड़े बेटे हैं मेरे, बुढ़ापे में रोब झाड़ूंगा उन पे शान से। आपने हमेशा उन तीनों को डांटा है और मुझे कभी नहीं। मैं तो हमेशा आपका दुलार बटोरती रही। मेरा दुलार तो मेरी बेटी के साथ हमेशा रहे, तू चाहे जहां भी रहे। तू क्या समझती है, तेरी विदाई के बाद मैं तो चुप खुल जाऊंगा? कर्नल साहब, आप तो सच में बूढ़े हो गए हैं। देखा श्रद्धा, कैसे बूढ़ों की तरह इमोशनल हो रहे हैं। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रितिका, कब से हम सबका वेट कर रहे हैं डांस रिहर्सल के लिए? वैसे भी ना बुआ जी थोड़ा शगन के काम में बिजी है, तो हम सब लोगों को डांस करने का टाइम मिल जाएगा। चलिए चलिए चलिए, रिहर्सल कर ही लेते हैं। अरे बेटा तेरा फोन। अब नहीं मामा, मैं देखती हूँ। पता चल गया किसका फोन है। चलिए मैडम, अब हमारे साथ बात करने में किसी को दिलचस्पी नहीं, अपना टाइम ओवर। फिर से मैसेज। लगता है तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो, सोच मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हें रोक रही हूं। पागल ही हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? श्रद्धा बेटा, फोन पर बात हो गई हो तो रिहर्सल के लिए आ जाना, रितिका वेट कर रही है। जी मम्मा, आई। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ। अरे वाह, सुनिए ये किट्टू के लिए और ये उसकी सास के लिए, दोनों पे नाम लिख देना। ये लो, ये लीजिए। अरे आके बैठना, कब से इधर उधर घूम रही है? प्लीज नेवर माइंड करना, देखना मेरा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। दीदी ने ना बहुत खूब तैयारी की है, दो दिन में पूरी शॉपिंग खत्म कर दी। वो किट्टू आई थी ना, उसी ने सब कुछ करवाया। उसकी ननद ही तो उसकी होने वाली भाभी है। अरे कामनी, सोचा नहीं था कि तू इतनी मॉडर्न है, एक बच्चे की माँ को अपने घर की बहू बनाने के लिए राजी हो गयी। बच्चे को साथ लेके आएगी वो घर में? भगवान सबको अपनी अपनी किस्मत देता है। कुछ लोगों की किस्मत में बच्चों की शादी के बाद सिर्फ सास ससुर बनना लिखा होता है। हम दादा दादी, इसमें क्या है? वैसे जी अपनी अपनी किस्मत है, आपकी किस्मत आपको मुबारक हो जी। रामदीन, रामदीन, काम नहीं करना तुम्हें, सारे मिठाई के डब्बे मैं ही लेकर आई हूँ। अब जाओ, जाकर बाकी के ले आओ, मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ बैठकर बातें करने का। तू जा जल्दी। शुरू करें? हाँ हाँ, अरे ढोलक बजाओ। सतबीर जी, भाभी जी, ये शरबत जरा बाहर लोगों को दे दीजिए। ओ सतबीर रुक, भाभी भाभी एक सेकंड। क्या हुआ? उसको बोलना वो बाद में करे, पहले हलवाई को दे दे, बहुत देर से वेट कर रहा है इसकी। ठीक है, दे दो मुझे। अरे जया सुन, क्या मुझे ये बता, मेहंदी की रस्म की सारी तैयारियां हो गई? अरे क्या तैयारियां, सर में पल्लू होने की वजह से सारा तो हेयर स्टाइल भी गड़ गया मेरा, और मुझे कोई तैयारी तैयारी नहीं करनी, बता दे रही हूं। किट्टू, किट्टू, किट्टू कहां जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो, वो हलवाई मसाले मांग रहा है, जल्दी दो यार। हां ये जरा रख देती, उसके बाद दे दो। अच्छा जल्दी करो। आशीष, किट्टू अब जी जी बुआ जी, मैं शरबत दूं आपको? नहीं। तो फिर कुछ खाने के लिए या मिठाई? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। रहन दे, ऐसे ही बड़ी सोनी लगती है। अब मतलब कि मैं भी अपना निकाल दूं, समझी?
तो नहीं देख रही हूँ। I'm sorry, कुना, मैं क्या करूं? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये नहीं हो सकता। No way. अरे 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 बच्चों, यहाँ पर क्यों खेल कूद रहे हो बेटा? Why? What for? इतना कीमती सामान पड़ा है, छूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आ जाएगी, चल बच्चा, चल, come on, चल, बाहर जा। वैसे जीजा जी, खर्चा ज्यादा नहीं हो गया कुछ? अरे कुड़ी दी शादी है की, मैं कारज खर्चा नहीं होएगा? हां जी थोड़ा बहुत तो नहीं। अरे जोर कुछ समझा तो कर, तू समझा इसे अमृत। जी जी दीदी, जोर क्या करे, अब खर्चे तो होंगे ही ना, बेटे की शादी है। समझ गया, थोड़े तल नहीं सकते। हां समझ गया। नमस्ते। नमस्ते। छोटी है ना, पकड़, थक गई मैं। नमस्ते जी। पता है मेरे डैड सबको बहुत हंसाते हैं। अच्छा वो कब आएंगे? आ गए। Hey champ. Hi dad. Meet my friends. Hi बच्चों। जी आनु, जी जी आनु। ओ आओ जी, ले आओ। जी तरह जी। बेटा इधर आना। बेटा उधर रख दो। हाँ। लो जी। लो लो लो। ए आंटी का भी लेके जाओ। ए लो जी। ओए मिलनी ते कर लो हूँ ना। माय गॉड बुआ जी, हाँ अब किसी की नजर नहीं लगेगी। लिसन, ओए बुआ जी के साथ फ्लर्ट नहीं करना है, समझे? लो श्रद्धा आ गई। श्रद्धा, आज क्या हो गया? कुछ अधूरा सा लग रहा है। हुआ? मीना काजल पहन लिया क्या? हाँ देखिए, अब ठीक है। परफेक्ट। ओहो, देखो तो सही,
मेड फॉर ईच अदर है माय गॉड। कामिनी रसम शुरू करो। हाँ जी मम्मी जी। क्या बात है दीदी, गिफ्ट पे गिफ्ट बटोर रहे हो। ए हाँ यार, सारी गिफ्ट तो लड़कियों को ही मिलती है, लड़के को क्या मिलता है। लड़की? अरे हीरो जैसी बहन दे रहे हैं आपको जीजा जी, जरा ध्यान से रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ की तो 3-3 साल हैं आपके। चलो चलो रसम हो गई हो तो मेहंदी लगाना शुरू कर दे। हाँ जी चलो, दीदी को तो मेहंदी उनकी सरवाली लगाएगी। मैं डैड का सरवाला हूँ और मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। कोई बात नहीं ध्रुव, हम तुम्हें सिखा देंगे, सिर्फ रसम करनी होती है। ये लो लो जी लो, अब बेटा बाप को मेहंदी लगाएगा। नई रस्म शुरू हो रही है, काम नहीं तेरे घर में। आंटी जी बड़े अरमान थे ना आपकी अपनी बेटी की शादी करने के, अब देखिए क्या हो रहा है। जया तू ना नेवर माइंड कर, लड़की वाली है ना तो थोड़ी खातिरदारी कर, चल जा जाकर ना ठंडा ले आ। हाँ आंटी क्यों नहीं, मैं आपके लिए तो 2-4 बर्फ और डाल के लाती हूँ। हाँ क्या बनाऊं डैड, सर्कल बना दूं? तू एक काम कर चैंप, अपनी मामा का ही नाम लिख ले मेरे हाथ में। दीदी आपके नाम का टैटू बनवा रहे हैं। ये क्या टैटू वैटू, देखना मैंने तो आपका नाम लिखना है दीदी के हाथों पे। ओए रितिका पुत्तर, मेहंदी विच ऐसे नाम लिखना कि मुंडा ढूंढते ही रह जाए। वैसे पता है दीदी, कहते हैं मेहंदी जितनी अच्छी रचेगी ना उतना ही सास का प्यार मिलेगा। सॉरी गुना, तुम मुश्किल में फंसने वाले हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो कम मुश्किल में नहीं के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।